हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूर की रोटी, वो भी घर पर। भाई मेरे पास ना ही तंदूर है और ना ही इलेक्ट्रिक तंदूर है, तो आज हम बताएंगे आप सबको कि तवे पर हम तंदूर की रोटी कैसे बना सकते हैं, वो भी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आटे की एक गोल बॉल बना लेंगे और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसकी एक तरफ लगाएंगे पानी और इसे पानी वाली तरफ हमने नीचे तवे पे डाल देंगे और सिकने देंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये सिक रही है, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और ये फूलनी शुरू होगी हमारी रोटी। बिल्कुल तंदूर वाला टेक्सचर आएगा इसमें, जैसे तंदूर पे हम बाजार में खाते हैं रोटी, बिल्कुल वैसी रोटी आपकी घर पर तवे पे बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये एक तरफ से तो सिक चुकी है, तो अब दूसरी तरफ से सेकने के लिए हम तवे को यहाँ पर इस तरह उल्टा कर देंगे और इसे सेकेंगे। आप देख रहे हैं अच्छे से घुमाते हुए मैं यहाँ तवे को रोटी को सेक रही हूँ ताकि बराबर की हीट चारों तरफ आए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से हमारी रोटी जो है सेक चुकी है। तो अब हम तवे को सीधा कर देंगे और इस रोटी को तवे से उतार लेंगे। देख लिए हैं कितनी इजीली उतर गई और पीछे से भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सिकी है। तो अब प्लेट में रख कर इस पे हम लगाएंगे देसी घी और इसे इस तरह हाथ से हम मचोड़ देंगे। इस तरह से हाथ से मचोड़ी हुई रोटी का टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो देखा आपने, घर पर तवे पर हमने तंदूर की रोटी 5 मिनटों में बनाकर तैयार कर ली। और अगर आपका भी तंदूर वाली रोटी खाने का मन हो रहा है तो आप फटाफट से घर पे जाइए और 5 मिनटों में तवे पर ही तंदूर की रोटी बना लीजिए। तो देखा आपने, तंदूर की रोटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।